फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है कोमल विश मेकअप। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टॉप 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो कि अगर हम अपने बेबीज को फीड कराते हैं तो हमारे बेबीज हेल्दी होंगे और उनका वेट गेन होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातों का जिक्र करना चाहती हूँ। जो पहली बात है वो ये है कि मोटा है बच्चा या पतला है बच्चा वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। बच्चे को अंदर से हेल्दी होना चाहिए, बच्चा बीमारियों से फ्री रहे, हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि बच्चे को मोटा करने के चक्कर में अगर बच्चे की डाइट 1 कटोरी है और आप उसको मोटा करने के चक्कर में 2 कटोरी खिला दे रहे हैं तो इससे बच्चा मोटा नहीं होगा, बच्चा बीमार पड़ सकता है, वॉमिटिंग कर सकता है। तो आप ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि बच्चों को ज़्यादा खिलाने से बच्चे मोटे होंगे। हमें हमेशा कंसंट्रेट करना है कि बच्चे को हमें हेल्दी फूड्स देने हैं जो कि वो ईजिली डाइजेस्ट कर ले और वो एक्टिव रहे, अंदर से वो हेल्दी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, फैशन से रिलेटेड वीडियोस और बेबी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो हेलो एवरीवन। अगर आपका बेबी 6 मंथ्स का है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको 6 मंथ से कम का है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पर ही स्टिक करें, क्योंकि 6 मंथ तक के बच्चे को बाकी कोई भी चीज़ बाहर की नहीं ज़रूरत होती है। फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही उनको जो है उनके सारे न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरतें होती हैं उनके वो कंप्लीट कर देते हैं। तो इफ़ योर बेबी इज़ फ्रॉम 0 to 6 मंथ्स, कुछ भी बाहर का देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू ब्रेस्ट मिल्क, और ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क। तो जो सबसे पहले फूड है वो जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है बनाना। बनाना के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आप एक बनाना खाकर आपका टमी जो है वो फुल लगेगा, आपको अंदर से एनर्जी आएगी। एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जब हम जिम के लिए जाते हैं तो हम यूजुअली एक बनाना या बनाना शेक पीकर जाते हैं या जिम करने के बाद बनाना शेक पीते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। एक बनाना के अंदर यू विल गेट 100 कैलोरीज, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एनर्जी मिलती है अगर हम ये अपने बच्चों को खिलाएं। उसके बाद जो बनाना होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर होता है और विटामिन सी और B6 भी पाया जाता है जो कि हमारे बेबीज़ के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बनाना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हमें अपने बेबीज़ को बनाना ज़रूर से उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। और बनानास को आप या तो मैश करके खिला सकते हो या तो फिर आप उसका जो है शेक बना सकते हो, पैनकेक्स बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप बनाना को ऐसे अपने जो है बेबी के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फूड है जिसको मैं बताऊंगी और सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने बेबीज़ के डाइट में इंक्लूड करें वो है क्रीम योगर्ट। योगर्ट अपने बेबी को आप ज़रूर से ज़रूर दें। अगर बेबी जो है वो गर्मियों का सीज़न है तो आप बेबी इसको सुबह शाम कभी भी दे सकते हैं, बट इन केस अगर सर्दियों का सीज़न है तो आप अपने बेबीज़ को योगर्ट सुबह के टाइम में दे दीजिए। इसी तरह बनाना भी ठंडा होता है इसलिए अगर गर्मियों का दिन है तो आप दे सकते हो किसी भी टाइम, बट प्रेफरेबली यही है कि आप सुबह या शाम के 4-5 बजे तक दे दीजिए। अगर ठंडियों का सीज़न है तो कोशिश करिए कि सुबह के सुबह ही इस बनाना को दे दिया जाए और योगर्ट को भी दे दिया जाए। योगर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशियस कैलोरीज पाई जाती हैं, प्रोटीन होता है जो हमारे बच्चे की हेल्थ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारा जो योगर्ट होता है वो कैल्शियम में, विटामिन में, प्रोटीन में रिच होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी हटाता है। और आपने देखा होगा कि जब हमें लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम खिचड़ी के साथ साथ कर्ड भी यूज़ करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है।
तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप दही खिलाएं अपने बच्चों को। दही कोई मतलब ऐसा स्ट्रेंज फूड नहीं है जो कि आपको अपने घर पे ना मिले, हमें हर जगह अवेलेबिलिटी है बनानास की और योगर्ट की, तो प्लीज़ आप योगर्ट शामिल करिए। और योगर्ट में भी आप सिंपल जो क्रीम योगर्ट्स होते हैं वाइट कलर वाले, आप वही यूज़ करिए। जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स होते हैं उनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो बेबीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। सो इट्स बेटर कि यू गो फॉर अ वेरी सिंपल योगर्ट जो कि अवेलेबल होता है ईजिली मार्केट में। आप उसको घर में भी बना सकते हैं, तो अगर आपको घर में ईजी लगता हो तो आप घर पर भी बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है देसी घी। देसी घी बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है और देसी घी आप कई लोग जो है वो घर पे भी निकाल लेते हैं। दोनों ही तरीक़ों से देसी घी मतलब बेनिफिशियल है, आप कहीं से भी परचेज करिए या घर से निकालिए। और बेबीज़ के अंदर देसी घी की 1 चम्मच मात्रा जो है डेली जानी चाहिए। अगर आप बेबीज़ का खिचड़ी बना रहे हैं तो आप उसमें जो है थोड़ा सा देसी घी डालिए, दाल पिला रहे हैं तो थोड़ा सा देसी घी डालिए, अगर दलिया बना रहे हैं तो आप दलिया को देसी घी में रोस्ट भी कर सकते हैं। उसके अंदर न्यूट्रिशियस फैट होता है और ये फैट हमारे बेबीज़ को हेल्प करता है टू इंक्रीज देयर वेट। देसी घी इज़ रिकमेंडेड कि आप 8 महीने के बच्चे के जो होते हैं उनको या उसके बाद के बच्चों को दीजिए। जो 8 महीने से कम बच्चे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो वो जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है घी को डाइजेस्ट करने में। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 8 महीने या उससे ऊपर है फिर भी आप घी एक एडुकेट क्वांटिटी में दीजिएगा, क्योंकि हम सबको ही पता है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में देंगे तो ऑब्वियसली वो नुकसान करेगी, उसकी अच्छी चीज़ें नहीं हमें काम आएंगी बल्कि वो नुकसान करने लगेगी। तो आप घी भी इंक्लूड कर सकते हैं, घी भी हमारे वेट गेन में हेल्प करता है। जो मेरा चौथा फूड है वो मेरा बेस्ट फूड है जिसको हम बोलते हैं रागी। रागी के अंदर इतनी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती हैं कि मतलब उसको आपको बताना ही मतलब लाइक आप गूगल करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रागी इज़ सो न्यूट्रिशियस, इतना न्यूट्रिशियस मिलेट है। और मेरा ये खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने बच्चे को रागी देना स्टार्ट किया था एंड ही गेन्ड वेट, हेल्दी हुआ वो काफ़ी और एक्टिव भी है और काफ़ी उसको रागी सूट किया। रागी का आप पॉरेज बना सकते हैं। अगर आपको रागी की, दलिया की या बेबी फूड्स की किसी भी टाइप की रेसिपी को आपको देखना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर वो रेसिपी बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। रागी जो है वो बेस्ट वेट गेन फूड है। रागी रिच है कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, कितनी चीज़ों का मैं नाम ले लूँ सब में वो रिच है। बहुत ही इजी होता है रागी को डाइजेस्ट करना बेबीज़ के लिए और वो एक नेचुरल लैक्सेटिव है, तो अगर आपके बेबीज़ को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है तो आप रागी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और इससे जो है जो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप रागी इंट्रोड्यूस करवाइए। अब रागी जो है ऐसे मतलब फ्लावर फॉर्म में ही मैं यूज़ करती हूँ और आप उसको अपने अगल बगल की आटा चक्की से भी पिसवा सकते हैं, बट मैंने बिग बाज़ार से ऑर्गेनिक इंडिया का रागी परचेज़ किया है। काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और आप भी ट्राई कर सकते हैं। और जो मेरा लास्ट आइटम है, फूड आइटम है, वो है ओट्स। ओट्स की और रागी की आप जितनी भी तारीफ करो वो कम है। हर जगह आजकल आपको लोग ओट्स कहेंगे कि ओट्स खाइए, ओट्स खाइए, तो जैसे वो बड़े लोगों के लिए हेल्दी है वैसे ही वो छोटे लोगों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी हेल्दी है। जो ओट्स हैं वो आप पाउडर्ड फॉर्म में अपने बेबी को दे सकते हैं अगर आपका बेबी सेमी सॉलिड्स ले रहा है इस समय तो। और जो ओट्स होते हैं उनमें लो सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप जान सकते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल भी कम है, सैचुरेटेड फैट भी कम है, तो वो कितना हेल्दी होगा।
और ओट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं बेबीज से, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, और ये भी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन से फ्री कराते हैं। तो जो बच्चे अभी सॉलिड स्टार्ट करते हैं उनको अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप रागी और ओट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, प्लस घी है, देन योगर्ट है, एंड देन बनाना है, तो ये सारी ये चीज़ें आपके बेबी को सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स लेने में हेल्प करेंगी, और आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। और जब सारी ही चीज़ें अपने बॉडी के जो सारे सिस्टम हैं वो जब ट्रैक पे आएंगी, तो ऑब्वियस है कि बेबी वेट गेन करेगा, बेबी हेल्दी होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने का मन हो, या आप मेरी प्रीवियस बेबी वीडियोस पे, इस बेबी वीडियोस पे कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ, आपके हर एक कॉमेंट को पढ़ती हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।